मोहम्मद पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के भोजपुर जिले में दो गुटों के बीच सामुदायिक झड़प हो गई। मामला आरा के टाउन थाना क्षेत्र के रामगढ़िया का है, जहां मंगलवार देर रात विवादित पोस्ट को लेकर दो गुटों के युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने दीपक नाम के एक युवक की चाय की दुकान पर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालात ना बिगड़े इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ना हुआ सर, जैसे मैं अपने दुकान पर था, एक लड़का उधर से जा रहा था, बोला कि दो लोग यहाँ से चाय पीने निकला, नीचली का लड़का था, उसको रुकवाया, बोला कि क्या है, तुम स्टेटस ऐसा ऐसा लगाया था, स्टेटस के कारण से विवाद छे। तो हम बोले कि भाई कोई जगह रहना है, जाओ तुम अपना घर जाओ, तुम भी अपना घर जाओ। दोनों को छुड़ाया, उसके बाद दोनों को उसको भगा दिए, यार भाई क्या लड़ाई कर। उसके बाद युवा का कि बोला हमसे कि तुम कहा उसको भगा देते, भाई एक जगह लड़ाई करो, तो रुक फोन करके बुलाने लगा सर, फोन करके बुलाया सर, लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको मारने लगा सर, बड़ी मार मारा सर, मान लिए सर। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? जैसे सर पोस्ट डालने के लिए विवाद छो, फेसबुक पे, बहुत पहले पोस्ट डाला था सर, वही पोस्ट आज लड़का दिखाई दे उसको। बता दें कि दीपक ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद एक रईस नाम के मुस्लिम युवक ने उसके पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मंगलवार की शाम रईस और दीपक आरा के रामगढ़िया में एक चाय दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी बीच फेसबुक पोस्ट को लेकर मारपीट शुरू हो गई। रईस अपने साथ करीब 20 से 25 साथियों को लेकर आया। वहीं हालात बिगड़ता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस दीपक से बयान लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। रास्ते से जा रहे थे तो चाय के दुकान पर से निकला लोग, निकल के हाथाबाई करने लगा लोग, हाथाबाई करके आहान छोड़ दिया लोग। तो ये थे, ये छोड़ाए सोनू भी आए, चाय का दुकान है इनका, तो इनके दुकान पर हम हमेशा आते हैं जाते हैं चाय पीने के लिए। तो हम अपना दुकान इनके दुकान से गुजर रहे थे तो निकले, तो हमको मारने लगा लोग, तो ये अपना छोड़ाए हटाए बढ़ाए, तो इन पर भी हाथ छोड़ दिया लोग, हाथ छोड़ के इनको भी मारा लोग। दुकान वुकान पर पूरा तोड़ फाड़ किया लोग, पूरा रंग बरैया में जितना दुकान है सब दुकान तोड़ फोड़ कर दिया लोग। और नहीं तो पहले 10-15 लोग था, उसके बाद 100-200 लोग आ गया। क्या पोस्ट क्या किया थे? हम लिखे हुए थे कि ये मुल्क तेरी माँ, यहाँ तक तेरी माँ छोड़ के गई थी कि तेरे बाप, वो लोग पहले वो बोला था घंटा घर के पास कि ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, बजरंग दल वालों, ये हिंदुओं। तो हम भी बोलना चाहते हैं कि यहाँ मुल्क सभी कोई का है, ये नहीं है कि खाओ इंडिया का गाओ पाकिस्तान का, हम भी देशभक्त हैं, मरा जाएंगे उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मेरे इंडिया में कोई बोलेगा कि ये हिंदू माधर चो दो, तो हम बोलेंगे नहीं। तो तुम वो सामने से बोला था? नहीं, सामने हम वीडियो में, वीडियो आया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। इलाके में तनाव का माहौल ना बने, इसके लिए SDM ज्योतिनाथ सहदेव और सहायक पुलिस अधीक्षक हिमांशु खुद पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया है, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं DM राजकुमार ने बताया कि मामला सामान्य हो गया है। दो अलग अलग समुदाय के लड़कों के बीच मारपिटाई हुई थी, फिलहाल 4 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। आज पूरी तरह शांतिपूर्ण स्थिति है। दरअसल कल की घटना जो थी वो दो बच्चों के आपसी झगड़े की घटना थी, क्योंकि दो समुदाय के बच्चे थे, इसलिए हम लोगों ने प्रिकॉशन के तहत रात में मजिस्ट्रेट फोर्स लगा दिया था। और ये मजिस्ट्रेट फोर्स की ड्यूटी अभी आज भी कायम है, आज चूँकि परीक्षा ड्यूटी भी लगी हुई है मजिस्ट्रेट फोर्स की,
हम लोग भी मोबाइल ऐप देख रहे हैं और सब जगह शांतिपूर्ण स्थिति है जिले में। ये कोई मतलब उस घटना नहीं है, एक आइसोलेटेड घटना है, वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। दो दोस्त मान लीजिए बैठ के बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे विवाद हुआ, झगड़ा हो गया, उसी तरह की घटना थी और बाकी कुछ नहीं। लेकिन चार लोग हम लोगों ने डिटेन किया है, गिरफ्तारी नहीं कर सकते, डिटेन किया है, उनकी जाँच की जा रही है, बातचीत हो रही है और हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। अगर किसी का भी उसमें दोष पाया जाएगा तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। नुपुर शर्मा के बयान पर मुस्लिम पक्ष के लोगों में नाराजगी है। कई शहरों में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर हमले हुए हैं, दो लोगों की हत्या भी हो चुकी है। ऐसे में भोजपुर जिले की पुलिस अलर्ट हो गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब केसरी के लिए आरा से राकेश की रिपोर्ट।